आज के समाचार के मुख्य प्रायोजक हैं दरभंगा किसान आनंद भोग आटा। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने वालों को अब खैर नहीं। एक व्हाट्सएप ग्रुप पे आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने वाले ग्रुप के एडमिन पर दरभंगा के एसएसपी मनोज कुमार ने किया है तलब। लोग सोशल मीडिया पे खूब फोटो खींचा के फादर्स डे मना रहे हैं, लेकिन हकीकत की दुनिया कुछ और ही बयां कर रही है। दरभंगा में एक पिता को अपने ही पुत्र ने बीमारी होने की वजह से उसे स्टेशन पे छोड़ दिया। युवा राजद का एक दिवसीय बैठक तथा विस्तार संगठन दिलावरपुर पंचायत के बेलायाकू में किया गया, जिसका अध्यक्षता मोहम्मद कलाम ने किया। दरभंगा शहर के मिर्जापुर स्थित उत्सव क्रिएशन दुकान का किया गया उद्घाटन। सीटीवी मिथिला में आपका स्वागत है, मैं हूं सुनील भारती। दरभंगा जिले के जाले प्रखंड अंतर्गत खैरा ग्राम निवासी उदय शंकर झा को उसके पुत्र ने कुष्ठ रोग से ग्रसित होने के कारण उन्हें दरभंगा स्टेशन पर लावारिस हालात में दर्द से तड़पते हुए छोड़कर भाग निकला। उसी वक्त मधुबनी जा रहे एक छात्र सुमित कुमार की नज़र उस बेबस 60 वर्षीय उदय शंकर झा पर पड़ी। सुमित को उनका पीरा नहीं देखा गया और उन्होंने उदय शंकर झा को अपना सहारा देते हुए अपने पास से तौलिए निकालकर घाव में लग रही मक्खी को भगाते हुए घाव में तौलियों लपेटकर जीआरपीएफ से मदद मांगी, लेकिन जीआरपीएफ ने मदद के बदले सिर्फ एक टेम्पू देकर अपना पल्ला झाड़कर वहां से निकल गया। सुमित ने जैसे तैसे कर उस वृद्ध को टेम्पू पर लादकर डीएमसीएच के इमरजेंसी लाया, लेकिन यहाँ भी उनकी बदनसीबी भी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अस्पताल के कर्मी उदय शंकर झा को कुष्ठ रोग के कारण छूने से भी मना कर दिया, लेकिन जब ये बात मीडिया के समक्ष आई तो मीडिया के पहल पर पीड़ित का प्राथमिक इलाज शुरू हुआ और उन्होंने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। उदय चंद्र झा, आपके बेटा उठा है? बेटा है, दो पोता है। क्या करता है सर? घर पर वही तो घर में नहीं जाने देता है? जाने देगा, लेकिन खाना नहीं देगा। काहे नहीं देता है खाना? पैसे आपको आ रहा है एम्बुलेंस, समझे? हम फोन कर दिए हैं, हॉस्पिटल में ले जाएगा, खाना पीना सब चीज़ देगा, ठीक है, रखेगा आपको। हम अपने घर जा रहे थे तो इस समय मैं वहाँ जा उससे गुजरे तो बगल में देखे उनको, वो बहुत बीमार हालत में थे, उनके शरीर से मक्खी उखी लग रहा था और असहनीय बदबू दे रहा था, जो हमसे देखा नहीं गया। देख रहे हैं वहाँ पे एक तौलिया है जिससे हम उनके घाव को लपेटे, उनको पानी उनी खाना उना कुछ दिए, बिस्किट भी दिए खिला लिए, उसके बाद हम जीआरपी से मदद मांगे, जीआरपी एक ऑटो कर दिया और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे होती है कि मतलब नहीं लेने के बराबर जाइए, ऑटो कर दिया जिसके हम उससे एक लेटर पैड मांगे, आदेश का कॉपी मांगे, वो कोई कॉपी उपी नहीं दिए। अगर इलाज नहीं होगा तो 2 घंटे के अंदर उनकी मृत्यु हो सकती है। उनको बताया गया कि कुष्ठ रोग विभाग है, हम कुष्ठ रोग में गए तो वो भी बंद थी, तो हम इमरजेंसी में लेके आए। अब अस्पताल प्रशासन बताए कैसे इनका इलाज होगा। अधीक्षक को फोन लगाए, वो कॉल को रिसीव नहीं किए हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार पाँच बार कॉल लगाए, अभी भी लगा रहे हैं कुछ लोग, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, कोई जवाब देते ही नहीं है। ऐसे अगर चलती रहे तो सरकार मतलब सामाजिक संगठन या आम जनता सेवा के भाव से अगर उसको लाज जूता मिलता रहे, दुत्कार तो मिलते रहे अस्पताल में सरकारी संस्थाओं द्वारा, तो कैसे सेवा कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी भी वर्ग विशेष समुदाय के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी भाषा फोटो पोस्ट करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी प्रतिक्रियाओं पर नजर रखने के लिए पुलिस ने विशेष साइबर सेल टीम का गठन किया है। एसएसपी दरभंगा मनोज कुमार ने सभी ग्रुप के ग्रुप एडमिन से अपने ग्रुप से जुड़ने वाले सभी सदस्यों को मैसेज के माध्यम से ऐसी साझा देने को कहा है कि वे ग्रुप में किसी भी तरह के आपत्तिजनक मैसेज या वीडियो वायरल होने पर एडमिन भी परेशानी में पड़ जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दरभंगा जिले से संचालित एक व्हाट्सएप ग्रुप लैब जन जन तक के एक सदस्य ने आपत्तिजनक मैसेज के साथ वीडियो वायरल किया, जिसमें दरभंगा के एसएसपी ने देख लिया और एसएसपी मनोज कुमार ने संबंधित ग्रुप एडमिन की जमकर क्लास लगाई। एडमिन ने अभिलंब ग्रुप से उस सदस्य से संपर्क किया, उसके बाद मोबाइल से यह वीडियो वायरल किया गया था। ग्रुप सदस्य ने इसके लिए माफी मांगते हुए कहा कि उनका छोटा बच्चा है, वह गलती से वीडियो को ग्रुप में डाल दिया। कि एक व्यक्ति ने
बिना सोर्स का सत्यापन किए हमें एक ऐसा मैसेज भेजा कि किसी एक वर्ग के लड़की के वो हत्या की जा रही है, और ये भी लिखता है कि राजस्थान का मामला है और राजस्थान पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। इसलिए है जो जितना ग्रुप में भेजना है भेजिए, और बड़े ही चैलेंज करके बोल रहा था। हमने इसको देखा और उसके बाद आदेश जारी किया कि एडमिन इस नंबर के धारक को मेरे सामने प्रस्तुत करें। एडमिन ने कार्रवाई की और जिसके नंबर से ये शेयर हुआ कल हमारे सामने प्रस्तुत होंगे। ऐसे हमने जिले स्तर पर सोशल मीडिया फेसबुक और व्हाट्सएप की मॉनिटरिंग की का कार्य शुरू कर दिया है। जब भी इस तरह के आपत्तिजनक वीडियो शेयर करेगा और उससे तनाव फैलेगा तो ऐसा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जेल जाएगा, क्योंकि आते ही हमने डीएम और एसपी के हस्ताक्षर से उस सारे आदेश जारी किया है, और मान के चलते हैं कि जो भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं वो जिम्मेदार हैं और पढ़े लिखे हैं। दरभंगा जिले के मिर्जापुर चौक स्थित विभा पैलेस में उत्सव क्रिएशन नाम से कपड़े की दुकान का उद्घाटन नगर विधायक संजय सरावगी के हाथों किया गया। इस मौके पे श्री सरावगी ने कहा कि शहर में नए नए दुकानें खुल रहे हैं, निश्चित रूप से शहर का विकास तेजी से बढ़ रहा है। पहले तो दरभंगा टावर ही दरभंगा का हृदय स्थली माना जाता था, लेकिन अब दरभंगा के विभिन्न जगहों पे कई तरह के दुकानें खुल रहे हैं जिनसे दरभंगा वासियों को सुविधा उपलब्ध हो रहा है। जैसे ने उत्सव क्रिएशन नाम के कपड़े की दुकान खोली है मिर्जापुर में, यहाँ सभी तरह के महिलाओं के लिए कपड़े उपलब्ध। निश्चित रूप से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब जो है शहर, पहले तो केवल टावर ही लगता था कि पूरे शहर का जो है पहले से, अब तो मिर्जापुर हो कि भाकरगंज, पूरा शहर के चारों ओर एक बड़ा बड़ा बाजार खुल रहा है। निश्चित रूप से नई दुकान खुली है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, लोगों को इस दुकान का लाभ उठाना चाहिए। उस को बहुत बहुत शुभकामना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह इस रोड को लोग पुनः सिन्हा रोड से जानते थे, अभी इस रोड को विवाह पैलेस के नाम से जानते हैं, और इसको एक तरह से बहुदेशीय भवन के नाम से भी लोग जानेंगे। इस तरह के इतने दो दो बैंक हैं, इतने इतने सारे दुकान हैं, बजाज PTIG है जी, तो इस जगह को इसमें इस विवाह पैलेस में इस तरह का जो उत्सव PTIG जैसा प्रतिष्ठान दुकान आया है, ये बहुत गौरव की बात है। यहाँ की जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिले, इस तरह का ख्याल रखा गया है। सस्ते और अच्छे चीज़ की उपलब्धता यहाँ पर कराई गई है, हम लोग बहुत शुभकामना देते हैं। हम दीपक कुमार झा उत्सव क्रिएशन के तरफ से भेज रहा छे मिथिलावासी सबके लेल कपड़ा के दुकान खोलल गए हमें सारी। युवा राजद के जिला अध्यक्ष मोहम्मद कलाम की अध्यक्षता में एक दिवसीय बैठक सह संगठन विस्तार का आयोजन बहादुरपुर प्रखंड के दिलावरपुर पंचायत में किया गया। इस कार्यक्रम में दरभंगा जिला राजद के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव, जिला पार्षद गीता देवी सहित दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड राजद अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज की जो बैठक में जो ये उपस्थिति है युवा का, यह प्रदर्शित करता है कि केंद्र सरकार में जो बैठे नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो मनुवादी ताकतों के पोषक है और संविधान को बदलकर हम लोगों की हक हकूक की लड़ाई को छीनना चाहते हैं, हमारे अधिकार को छीनना चाहते हैं, इसके प्रति युवा राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता संकल्पित हैं कि उस केंद्र सरकार को और राज्य की जो ये सरकार है जो काम नहीं करती है ठीक से, नीतीश कुमार की सरकार, इसको उखाड़ फेंकने का संकल्प युवा राजद के कार्यकर्ता ले चुके हैं, जो आज का भीड़ यह प्रदर्शित करती है जो ये युवा राजद संकल्पित है। संगठन होंगे तभी मजबूत होंगे और हम लोग के सरकार इस बार बनाना है,
हर हाल में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री हम लोग देखना चाहते हैं। तेजस्वी के हर हाल में नाम है तेजस्वी, और काम भी वही करेंगे। बहुत अच्छा नेता हम लोग के लालू जी दिए हैं। और युवा राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा पूरे बिहार में चर्चा में रहेगी, काफ़ी सक्रिय एक्टिव हमारे जिलाध्यक्ष मोहम्मद कलाम साहब हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा पूरे बिहार में सबसे आगे, सबसे तेज, सबसे ऊपर रहेगा। इस कार्यक्रम में राजीव सहनी को जिला उपाध्यक्ष सहित कई युवाओं को संगठन से जोड़ा गया। कलाम साहब के कंधे में कंधे मिला करके पार्टी को मजबूत करूँ और संगठन बनाने में उसका पूरा पूरा सहयोग करूँगा। मुख्य रूप से संगठन को विस्तार करना, युवा राष्ट्रीय जनता दल को धारदार बनाना, क्योंकि संगठन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब तक संगठन हमारा मजबूत नहीं होगा, जब तक हम विरोधी से लड़ नहीं पाएंगे। इससे पहले भी हमारा संगठन काफ़ी धारदार था, इसमें और मजबूती के लिए यह बैठक किया गया था। साथ ही 20 तारीख को जो सरकार नहीं तो रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, उस कार्यक्रम को भी सफल बनाने के मकसद से यह कार्यक्रम किया गया था। और इस जगह पे बहुत सारे लोगों को, अभी नए लोग साथी को भी जोड़ा गया है, जिसमें बप्पी कुमार हैं हॉस्पिटल रोड के, उनको भी बनाया गया है। राहुल कुमार हैं, उनको भी बनाया गया है। अतीकुर रहमान साहब हैं, उनको भी बनाया गया है। उसके राजीव सहनी जी जो है, जो बेला याकूब यहीं के रहने वाले हैं, काफ़ी इनके आने से, इनको जिला में उपाध्यक्ष के पद पे मनोनीत किया गया है, इनके आने से काफ़ी हमारा पार्टी इस इलाके में मजबूत होगा। और इनसे आशा और उम्मीद रखते हैं कि बड़े पैमाने पे ये अपने बिरादरी के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। AISF दरभंगा इकाई द्वारा भोगेंद्र झा चौक से दरभंगा टावर स्थित महात्मा गांधी के स्मारक तक मार्च निकालकर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला इकाई दरभंगा के भी सदस्य पुतला दहन और मार्च में शामिल थे। जिसे दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है, और दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो एक क्रांतिकारी है, और वो दिल्ली की जनता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जान की बाजी लगाए हुआ है। और ये LG जो है, ये अंग्रेजों के वाइस राय की तरह से अड़ियल रवैये पर अड़े हुए हैं और हमारे अंचलकारियों से बात नहीं कर रहे हैं। मेरा ये संदेश है कि वार्ता करनी होगी और अंचल समाप्त कराना होगा। धन्यवाद। आज केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल का पुतला दहन, कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक से हम लोग मार्च निकाल के आज महात्मा गांधी के स्मारक पर लाके हम लोगों ने मार्च को और यहाँ पर पुतला जलाया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF जिला परिषद दरभंगा के द्वारा, और यहाँ जो आम आदमी पार्टी का जिला इकाई है उसके द्वारा, अब जानती के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में आई। जब आम आदमी पार्टी बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त कर रही है, पानी की व्यवस्था को दुरुस्त कर रही है, शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त कर रही है, तो इससे स्वास्थ्य की व्यवस्था को दुरुस्त कर रही है, इससे केंद्र सरकार को जलन होता है। उसको ये जलन होता है कि RSS जो 100 वर्षों के अंदर इस देश में दंगा फैला के जो हमको सत्ता में लाई है, उसको ये विपक्ष, ये आम आदमी पार्टी, ये तमाम वामपंथी जनवादी एकता मिलके हमको उखाड़ फेंकेगी 19 में। इसलिए उसको तमाम कार्यक्रमों से, तमाम कार्य करने से रोका जाता है। और किनका पुतला जलाएगा और कहां पर पुतला जलाएगा? आज हम लोगों ने भोगेंद्र झा चौक से हम लोगों ने इस जुलूस को निकाला है, और मिर्जापुर चौक होते हुए हम लोगों ने गांधी जी के स्मारक दरभंगा टावर चौक पर आकर के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का और अनिल बैजल का पुतला हमने दहन किया। हम लोगों ने, हम आम आदमी पार्टी और AISF के समर्थन से इस कार्यक्रम को पूरा किया गया। जैसा कि एक सप्ताह से दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन और वहाँ पर
जो मंत्री लोग वहाँ बैठे हुए हैं एलजी हाउस पे अनशन पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, दिल्ली की जनता ने जो उनको चुन करके भेजा है अपने समस्याओं को दूर करने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को रोका जा रहा है। मैं उमरेज अहमद, लोक जनशक्ति पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, दरभंगा जिला अध्यक्ष। ईद के शुभ अवसर पे सभी मीडियाकर्मी, सभी मिथिलांचल वासी और हमारे लोजपा सुप्रीमो श्री रामविलास पासवान जी, रामचंद्र पासवान जी और युवा दलों के दल के चिराग पासवान और जितने भी हमारे लोजपा कार्यकर्ता हैं, सभी को ईद के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। वो सबका ख्याल रखती है, हर कदम पे साथ निभाती है, जिंदगी को खुशियों से सजाती है और अपने सपने भी सच करना चाहती है। ये है आज की नारी, सर्वगुण संपन्न, जैसे आनंद भोग आटा, बेहतरीन गेहूं से बना, घर में पिसे आटे जैसा शुद्ध, सेहतमंद और स्वादिष्ट। आनंद भोग आटा है सर्वगुण संपन्न।